आज हम सोलर पैनल के बारे में बहुत आसान तरीका बताते हैं उसे समझने के लिए। देखिए जी, एक सोलर पैनल है, कोई भी सोलर पैनल हो, उससे जो आउट होती है सप्लाई, वो हमारा डीसी सप्लाई होता है। डीसी सप्लाई में हमारा प्लस और माइनस होता है, और ये सप्लाई में वोल्टेज और एम्पियर होते हैं। अब आते हैं दूसरे, ये जैसे हमारा डीसी सप्लाई है, ऐसे सेम हमारा एक बैटरी होता है। बैटरी में आप देखते होंगे, वो चाहे लिथियम हो, चाहे लेड एसिड बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, उसमें भी डीसी सप्लाई आउट होती है, उसमें भी प्लस माइनस होते हैं, उसमें भी जो है एम्पियर और वोल्टेज होते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये भी जितने बैटरियां हैं वो भी डीसी हैं और ये पैनल भी डीसी है। अब आ जाते हैं इसके कनेक्शन पे। देखिए, इसके पावर होते हैं, पहले पावर को समझें। जैसे एक पैनल है हमारा 100, अगर ये 100 वाट का है पैनल, तो ये मान लीजिए इसका 5 एम्पियर, कोई कंपनी 5 एम्पियर यानी 5 एम्पियर इससे आउट करके दे रही है, तो ये जो 100 वाट और 5 एम्पियर आउट हो रहा है 12 वोल्ट 12 वोल्ट में, अब ये जो इसकी कैपेसिटी हो गई, ये 5 एम्पियर का हो गया, और ये वाटेज यानी वाटेज हमारा वोल्टेज और जो है एम्पियर को कैलकुलेट करके जो है हम वाटेज निकालते हैं, तो ये कैपेसिटी हो गई। अब इसका मान लीजिए 100 वाट है, अगर 100 वाट ये है, अभी इसका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट ये है। अब अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना हो तो इसको सीरीज करना होगा। जैसे ये सीरीज करेंगे जब 12 12 वोल्ट का, तो ये हमारा होगा 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट पैनल का सीरीज में। तो यहाँ पे ये जो वाटेज है 100 100 वाट का, ये वाटेज वही रहेगा, इससे जो निकलने वाली एम्पियर है वो 5 एम्पियर ही रहेगी। लेकिन अगर इसे हम इसके वाटेज कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो इसे पैरेलल में हम जोड़ेंगे दोनों पैनल को, तो क्या होगा, इसमें जैसे हमारा 24 वोल्ट था, अब क्या होगा, ये 12 वोल्ट ही रहेगा यानी 12 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या बढ़ जाएगा, जैसे उसमें वोल्टेज बढ़ गया तो इसमें वाटेज बढ़ जाएंगे। वाटेज बढ़ने का मतलब कि अब ये जो एम्पियर है यानी ये एम्पियर कैपेसिटी 5 5, अब ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे, ये 10 एम्पियर हो जाएगा लगभग। अब ये वोल्टेज तो सेम है, एम्पियर बढ़ गए, अब ये जो है 100 100 200 वाट हो गए, यानी कैपेसिटी बढ़ गई। तो वो ये ऐसे कंडीशन में ये बैटरी भी हमारा काम करता है। अब यहाँ पर देखें, ये हमने जो इसके सेल के बारे में बताया था, ये डायग्राम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग होती है, वो जो रेज इस पे पड़ते हैं, ये हमारा सन सन का जो लाइट पड़ता है इस सेल पे, तो इस सेल में दो दो सिलिकॉन यूज होते हैं, जो जैसे हमारे देखिए उसमें डायोड में देखिए होता है ना, तो उसी कंडीशन में इसमें सेल में भी जो इंटरनल दो परतें होती हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में होता है, और बीच में ये जंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमने शो किया है, जैसे पी टाइप जंक्शन नीचे डाला हुआ है और एन टाइप जंक्शन ऊपर है, और बीच में एक जंक्शन यानी दोनों का पार्टीशन, निगेटिव और पॉजिटिव का, प्लस और माइनस के बीच में, जैसे परत होता है ना, एक के बाद एक लेयर जिसे बोलते हैं, एक लेयर हमारा निगेटिव, फिर उसके बीच जंक्शन, फिर नीचे प्लस। तो ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, और हर एक सेल को जो है सीरीज और पैरेलल करके जो है इसमें बस बार बना के और इसका आउटपुट लिया जाता है प्लस माइनस के रूप में। तो इसी तरीके से जब इस पे ये सनराइज पड़ता है यानी सनरेज पड़ता है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बहुत तेज़ी से, तो उससे इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग से हमारा करंट जनरेट होता है। करंट जनरेट होके जो वायर इसमें प्लस और माइनस के लिए निकाले गए हैं, उसके थ्रू हमारे जो है घर में इसके यूज करने के लिए सप्लाई मिलती है। तो इसी तरीके से ये काम करता है, और ये मैं थोड़ा सा इसको बताया हूँ समझने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं आप इसके जो ज़रूरत है उसी चीज़ को समझें। जो मान लीजिए आपके घर में अगर सोलर पैनल यूज करने हैं, तो सोलर पैनल इस समय जो मिल रहे हैं उसे आप एक डीसी के तरीके से माने, जैसे बैटरी आप खरीदने जाते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि हम एक बैटरी खरीदने आए हैं, पैनल को एक बैटरी समझें। पैनल को एक बैटरी समझें,
जैसे आप बैटरी लेने जाते हैं तो जब पावर कैपेसिटी देखते हैं कि हमारा 150 एच चाहिए, 100 एच चाहिए, 250 एच या 200 एच या 180 एच, ऐसे इसमें भी एच क्या बताता है, इसका पावर कैपेसिटी वाटेज बताता है। यानी जैसे हमारा 150 एच की बैटरी है तो उसमें उस 15 एम्पियर समझ लीजिए कि उसकी 15 एम्पियर, जब क्योंकि 15 एम्पियर इसलिए कह रहे हैं कि जब उसे चार्ज करने की ज़रूरत होगी तो जो उसकी एम्पियर रेटिंग होती है वो 15 यानी 15 एम्पियर से 150 एच की बैटरी को चार्ज किया जाता है। ऐसे आप 100 एच की बैटरी को अगर चार्ज करना है तो उसके लिए 10 एम्पियर की ज़रूरत होती है। तो यही कैलकुलेशन आप जो है इसके पावर कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे 200 एच हुआ तो 200 एच में क्लियर होगा कि 20 एम्पियर चाहिए, 200 220 है अगर है तो भी 20 एम्पियर चल जाएगा, 20-22 एम्पियर। तो इसी हिसाब से आप एक बैटरी को पावर बैंक समझकर इसमें स्टोर करने का, जो चार्ज करने का जो ज़रूरत है उसे आप इस मेथड से समझें। अभी ये बैटरी हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे बैटरी आप इसको खरीदने जाते हैं तो इसकी पावर देखते हैं, ऐसे इसकी भी पावर है, क्योंकि आप इसके पैनल को लाएंगे तो भी जो है एक पावर बैंक को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी और इस बैटरी के अनुसार ही हमको इसका जो है पावर रेटिंग देखना है और इसी के अनुसार जो है इसको लेना है। अब इसके बाद आता है कि ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है घर का, यानी घर या ऑफिस या हमारा जो दुकान है, शॉप है या फैक्ट्री है, कहीं भी अगर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है हमको ये चॉइस करने होते हैं कि कितने कितने जो है पैनल की ज़रूरत होगी और कहाँ पे यूज करना है। तो ये सारा डेटा जो है क्लियर करके जो है हमको लेना होता है। लेकिन एक नॉर्मल जहाँ पे घर के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए हम आपको एक बहुत इजी मेथड ही बताया है कि इसको भी एक बैटरी समझिए, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। अब ये मान लीजिए इसका 150 एच है, ये भी 150 एच है। अब ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है। अब अगर इसको हम जैसे मान लीजिए ये है प्लस, अभी प्लस को हम ऐसे लाएंगे और यहाँ पे निगेटिव पे जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो आउट हो गए, ये यानी प्लस ये हो गया और माइनस ये हो गया। अब ये 12 वोल्ट है तो ये हो गया यहाँ पे ये 24 वोल्ट। ये अभी कौन सा कनेक्शन है, ये हो गया हमारा सीरीज, ये हो गया सीरीज। अब इसी को, अब ये जो 150 एच ये है और 50 एच ये है तो ये एच जो है एम्पियर आवर्स बोलते हैं उसे, इसकी जो है एम्पियर आवर्स वही रहेगा, कौन सा जो एक बैटरी का, यानी पावर एक ही रहेगा, 150 एच ही माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आ जाइए, इसको हम पैरेलल जोड़ते हैं। पैरेलल की जॉइंटिंग कैसे होगी, जैसे 12 12 वोल्ट है ये, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे घुमा लेते हैं, ऐसे, और इसके बाद जो है ऐसे अभी हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या हुआ, ये भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट 12 वोल्ट है। अब 150 एएच है, 150 एएच ए है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है, अब आपका यहाँ से मान लीजिए ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। अब दो वायर ये आपके ये निकल गए। अब आप इसे इन्वर्टर या सोलर पैनल कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं और बाद में इसके बैकअप ले सकते हैं। अब इसमें देखिए 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो वोल्ट तो वही रहेगा इस समय क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन इसमें जो एम्पियर है 150 150 अब ये जुड़ जाएंगे, अब इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 एच, ये क्योंकि 150 और 150 एच ये जुड़ जाएंगे, ये पैरेलल में, यानी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है।
सेम यही यहाँ पे होता है इसका पैनल का। अब ये प्लस और माइनस वायर निकले होते हैं ऐसे, अब ये जो है माइनस है, अभी 12 वोल्ट का पैनल है, ट्वेल्व वोल्ट, अभी ये 100 वाट, ये भी 100 वाट, अभी 100 वाट मतलब हुआ इसका 5 एम्पियर। हम इसे मान के चलते हैं कंपनी के अनुसार, इसके मटेरियल यूज़ के अनुसार जो है इसके जो कैपेसिटी देते हैं 5 एम्पियर, 6 एम्पियर जो भी है। और 12 वोल्ट बोलते हैं, 12 वोल्ट से ये अधिक रहते हैं 16 वोल्ट 17 वोल्ट, क्योंकि कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए उसके वोल्टेज इससे अधिक होते हैं। वहाँ पर 17 वोल्ट 18 वोल्ट 19 वोल्ट जो भी मिलते हैं उस पर लिखे रहते हैं अंदर, लेकिन एम्पियर जो कैपेसिटी होती है उसका यहाँ पे ये फिक्स होता है कि इतना एम्पियर ये कैपेसिटी के अनुसार देगा। अब इसे हम जो भी एम्पियर होगा वो पैनल पे लिखे होंगे, अब इसे हम यहाँ पे 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर 5 एम्पियर हो गया, 100 वाट 12 वोल्ट, ठीक है। अब 12 वोल्ट नहीं रहेगा वहाँ, यहाँ पे हम बैटरी की वजह से इसको 12 वोल्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे 16 वोल्ट 17 वोल्ट जो भी देते हैं उस पर पैनल पे लिखे होते हैं, लेकिन हम बैटरी की वजह से इसको बता रहे हैं। अब आप यहाँ पे इसको जब जैसे बैटरी को सीरीज में जोड़े थे तो ऐसे यहाँ पर देखें, सीरीज में जोड़ने के लिए इस पैनल का प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा ऐसे। अब इसके बाद दो कनेक्शन हमको मिल गए, एक ये हो गया प्लस और एक ये हो गया माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस, अब ये जो सीरीज में जुड़े हैं, ये सीरीज में जुड़ने के कारण यहाँ पे ये 12 और ये 12, ये हो गया टोटल 24 वोल्ट। अब ये 24 वोल्ट, लेकिन ये जो आउट हो रहा है ये 5 एम्पियर, ये एम्पियर जो है यही रहेगा 5 एम्पियर। लेकिन अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं कि इसको जो है पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ने के लिए प्लस प्लस में माइनस माइनस में, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस में जोड़ देंगे और ये माइनस माइनस में। अब ये जो माइनस और ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, अब ये दोनों जुड़ गए। अब इसमें दोनों जुड़ने के बाद अब इसमें जो सप्लाई ये आउट होगी, ये अब यहाँ पे आउट होगा, ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट ये है, तो यहाँ पे इसके वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट ही रहेंगे जो पैनल पे लिखे होते हैं, यानी 12 वोल्ट या 70 वोल्ट या 18 वोल्ट या 19 वोल्ट, जैसी डिजाइन हो उस हिसाब से यहाँ पे ये जितने का होगा ये उतने ही यहाँ पे ए आउट होगा। लेकिन अब क्या है कि ये जो 5 एम्पियर था इसका, वो चीज़ें बढ़ गई, यानी इसकी कैपेसिटी जो 100 वाट था अब ये जो है 100 प्लस 100 बराबर 200 200 वाट हो गए ये। अब 200 वाट मतलब ये हुआ, ये जो हमारा ये 5 और 5
ये हो गया हमारा 10 एम्पियर, ये सोलर पैनल। अब जैसे बैटरी की आप पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन करते हैं, ऐसे पैनल का भी पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। ये और भी आसान तरीका हम बताते हैं इसको कनेक्शन करके, जब कई पैनल और बैटरी डिजाइन करके, यानी उसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्वर्टर से या कैसे अपने घर में उसको इंस्टॉल करना है। उसे हम और भी इमेज देके और इमेज के थ्रू हम जो है इसको डिजाइन करके आपको बताते हैं। ये तो हो गया कि हमारा पैनल एक बैटरी के तरीके से आप इसे खरीदें। जब खरीदने जाएं तो आप बैटरी को दिमाग में रखें कि जैसे बैटरी की कैपेसिटी होती है, ऐसे हमारा पैनल का कैपेसिटी होता है। तो जैसे हम अपने रिक्वायरमेंट हम बैटरी का रखते हैं बैकअप के रूप में, तो ऐसे इसको भी आप वही समझें बैकअप, क्योंकि आप बैटरी को भी चार्ज करेंगे तो इसी के अनुसार चार्ज करेंगे। अब एक्स्ट्रा लोड आपके घर में क्या है, उसे कैसे डिवाइड किया जाएगा, उसे हम नेक्स्ट बताते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।